ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ये मंत्र लगभग 10 साल पहले मैंने पोस्ट किया था और मैंने जिसको भी ये दिया इसने अपना काम बखूबी निभाया है और ऐसा कोई गया नहीं जो इससे बचा हो। जहाँ पर भी ये मंत्र लगा दिया जाता है सामने वाला देखते ही देखते मोहित हो जाता है। ये सभा मोहन मंत्र है, मतलब कि जिस भी जगह पर आप करोगे वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो सब आपसे मोहित हो जाएंगे। अगर आप अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो ये मंत्र आपके लिए ही बना है। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा गेहूं के जो दाने होते हैं वो इकट्ठे करने हैं, इतने दाने जितने का अगर आप हलवा बनाए तो उसे खा सकें और थोड़ा सा पीर को भी चढ़ा सकें। तो आपको क्या करना है, ये जो मंत्र है इसको 125,000 बार गेहूं के दानों पर अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र मैं अभी बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। कालू मुंह धोई करूं सलाम, मेरे नैन सुरमा बसे, जो निरखे सो पायन पड़े, गोसुल आजम दस्तगीर की दुहाई। तो ये दुहाई मंत्र है और मंत्र को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि जिसने ना समझ पाया हो वो दोबारा से समझ सके इसको। कालू मुंह धोई करूं सलाम, मेरे नैन सुरमा बसे, जो निरखे सो पायन पड़े, गोसुल आजम दस्तगीर की दुहाई। तो ये मंत्र जो है आपको थोड़े से गेहूं के दानों पर अभिमंत्रित कर देना है और 125,000 बार इसको अभिमंत्रित करना है जिससे कि सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको ये दाने जो हैं ये इनका हलवा बनाकर थोड़ा सा अपने आसपास कोई जो पीर के दरगाह हो वहाँ पर चढ़ा कर आना है और इसके बाद ये जो दाने होंगे या जो हलवा है ये आपको खुद भी खा लेना है। अब खाने के बाद जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं अपने अनुकूल करना, अपने तरफ आकर्षित करना, उसका ध्यान कीजिएगा और इसके बाद पहले ही दिन से वो जो व्यक्ति होगा वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। याद रहे आपको सात्विक रहना होगा इन दिनों में, ना कोई मांस मदिरा किसी भी तरह का धूम्रपान ये सब वर्जित है। ये सब अगर आप करते हो तो इसको भूल जाइए कि आपके लिए काम करेगा। आपको पवित्र होकर ये सारा कुछ करना है और देखते ही देखते ये आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी इसको करने का दिन कौन सा होना चाहिए, वार का जो है कैसे हम देखें किस वार को करें, कौन सा वार शुभ रहेगा। तो इसको शुक्रवार के दिन करना उचित माना गया है। जिस जिसने शुक्रवार को किया है उसके लिए इसने सटीक काम किया है। शुक्रवार के दिन इसको कीजिएगा और फिर देखिए किस तरह से चमत्कारी रूप से जो भी आपका साथी है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और ये सारे मंत्र जो हैं ये मैंने सिद्ध करे हुए हैं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जिसको मैंने दिया है उसके लिए इसने सटीक काम किया है। तो आँख मूंद कर इसको कीजिएगा और ज़रा सा भी संदेह ना रहे भीतर कि काम करेगा नहीं करेगा, ये चीज़ें ना लाएं क्योंकि ये आपकी शक्ति को बिल्कुल ही डाउन कर देंगे। तो जब भी कोई मंत्र करें तो पूरे विश्वास के साथ करें तो वो आपके लिए काम ज़रूर करेगा। अगर मंत्र समझ में ना आया हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर, या आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं searchstops.com पर। धन्यवाद।